हाउ मेनी न्यू फेसेस टुडे, कितने न्यू फेस हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं? वन टू और फर्स्ट क्लास थोड़ी जान। अच्छा, तो वो मास्क लगा के रखते हैं ना आजकल बच्चे, पता नहीं चलता भैया। चलिए नेमिंग फटाफट। चलिए कोई बात नहीं, अब तो इसको हटा दें। ये हटेगा कैसे भाई? हटेगा मेरी आदत है इसको। ये चलिए भाई, बातें नहीं। अब लास्ट टॉपिक, लास्ट क्लास। आपका नाम क्या है भाई? नाम बता दो जल्दी से। हर्षद। कहाँ से हैं? नोएडा। एंड यू? ठीक। तो व्हाट वाज़ द लास्ट टॉपिक? प्रेशर। प्रेशर मैंने कहाँ तक कवर किया था? पास प्रेशर में लास्ट टॉपिक। पीछे पलटो, पीछे पलटो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ। आई थिंक थ्री स्टूडेंट्स आर न्यू टुडे। ठीक है, प्रेशर को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं फास्ट, है ना। वैसे बेसिकली हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सभी को पता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, है ना। और जो फ्लूइड्स की दुनिया है, ये ऐसा मान सकते हैं कि पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग है। सॉलिड की दुनिया पूरी अलग है, फ्लूइड्स की दुनिया पूरी अलग है ना। सॉलिड्स में हम बात करते हैं फोर्स की, सॉलिड्स में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, और यहाँ पर हम चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं। कैसे? फोर्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं? प्रेशर से, है ना। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस कर देते हैं? चेंज इन वॉल्यूम से। बताया था नहीं बताया था? ठीक है। अच्छा, फ्रेशर हो या ऑलरेडी ड्रॉपर, ड्रॉप आउट हो? फर्स्ट ड्रॉप है ये, ठीक है। चलिए भाई लिखिए जल्दी से। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट। हमारा आज का टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो प्रेशर का नॉर्मल सभी को पता है क्या होता है भैया? प्रेशर का फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, हाँ ये अगर मैं सिंपल क्या हो रहा है ये आप सही है ना। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इस पर कोई ऐसा फोर्स काम कर रहा है, और ये फोर्स कितने डिग्री पे काम कर रहा है? सपोज थीटा एंगल पर, है ना। अब मुझे बताइए, क्या ये फोर्स प्रेशर क्रिएट करेगा या इसका एक कंपोनेंट प्रेशर क्रिएट करेगा? एक कंपोनेंट बेसिक कर लेते हैं विद इन 5 मिनट्स। इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? हाँ, एक कंपोनेंट का होगा एफ कंपोनेंट का। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक आ रहा है, मान लो। ठीक है, मान के चल रहा हूँ तो मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ। हाँ भाई, तो इसका दूसरा कॉम्पोनेंट क्या होगा आपके पास? एफ साइन थीटा। ध्यान से सोचिए, बताइए कौन सा कंपोनेंट प्रेशर क्रिएट कर रहा है? एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ कॉस थीटा इज पैरेलल टू द सरफेस। और मैं इसके पैरेलल अगर किसी चीज को छोड़ूंगा तो वो कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा ना भैया। तो सिंपल अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला देखेंगे तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या लिखेंगे? कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, नॉट फोर्स, क्या लिखेंगे? कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी सिंपल इसको हम लिख सकते हैं एफ परपेंडिकुलर, और नीचे क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ दैट सरफेस, एरिया ऑफ दैट सरफेस, जिस हम सरफेस की बात कर रहे हैं। तो सिंपली क्या लिखा जा सकता है? स्केलर है, यूनिट्स मैंने बताई थी आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, पास्कल होती है, बार होती है, बहुत सारी यूनिट्स होती है। ये यूनिट आते हैं जनरली, हम जो यूनिट यूज करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट, वो नॉर्मली या तो बार या तो पास्कल। पास्कल का एसआई यूनिट, और 1 पास्कल को बोलते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। और बार, यू कैन से बार इज वॉट द सीजीएम यूनिट, है ना। और 1 बार में कितने पास्कल या 1 पास्कल में कितने बार, नहीं पता, तो लिख लेते हैं भैया। तो इसके यूनिट्स की बात करेंगे तो सबसे पहली बात हम करेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या लिखोगे बता दो?
पास्कल होती है ना, पास्कल भी बोल सकते हो या क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? चलिए भाई सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, सीजीएस यूनिट जनरली एटीएम तो एटमॉस्फेयर के लिए बात कर लेते हैं, यहां पर हम क्या लिख देंगे, बार। ठीक है, पास्कल में कितने बार होते हैं, अगर हम बार को रिलेट करेंगे तो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू कितने बार, 10^5 bar। वही सेम ही तो है। ठीक है भाई लिख लो, जैसे जिसने लिखा था मत लिखिए, जिसने नहीं लिखा लिखिए। क्योंकि आज ये सारी चीजें यूज होंगी क्लास के अंदर, तो फिर चीजें सबको समझ में आनी चाहिए। हाँ बताइए। हाँ बोलिए। पूछ लेना क्लास के बाद, कोई डाउट वगैरह होता है तो क्लास के बाद पूछ लिया करो। हो गया भाई, थोड़ा फास्ट लिखें जल्दी से जिसने नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक चल रहा था, वो लेटेस्ट टॉपिक क्या चल रहा था, प्रेशर इन फ्लूड कॉलम्स, है ना, कॉलम्स के अंदर हम लोग प्रेशर पढ़ रहे थे, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे आज हम। कंप्रेसिबिलिटी होती है 1/ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी होता है। ठीक है, तो वही फ्रैक्शन पूछा हुआ है इसने, फ्रैक्शन मतलब डेल वी अपॉन वी पूछा हुआ है इसने, और कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है तो बल्क मॉडुलस निकाल लो, बल्क मॉडुलस हो जाएगा 1/ कंप्रेसिबिलिटी। भाई निकालना तो डेल वी अपॉन वी है ना इसमें, क्योंकि फ्रैक्शन निकालना है ना, चेंज वाला फ्रैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है बल्क मॉडुलस, बहुत कम है, छोटा चैप्टर है ना ये, आ जाइए 45 आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कैपेसिटी है इस चैप्टर में 45, 100 तो अराउंड मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे कई जगह पर, इस चैप्टर में मिल जाएंगे, इसकी लिमिट नहीं है, बहुत मिलेंगे ढूंढना आगे। लेटेस्ट टॉपिक लीजिए, फॉर्मूला लिखवा देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो प्रेशर कॉलम ऑफ हाइट ऑफ लिया था, लास्ट क्लास में लिख लिया था, प्रेशर ड्यू टू, जल्दी लिखिए, प्रेशर ड्यू टू, ड्यू टू द हाइट ऑफ कॉलम ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू द हाइट ऑफ कॉलम ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है भाई, अब जब किसी भी कॉलम में फ्लूइड को भर दिया जाता है तो वो फ्लूइड क्या क्रिएट करता है, प्रेशर। ये हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं इसको थोड़ा सा, है ना भाई। तो अब हम अगर हाइट की बात करेंगे, मैंने सिखाया भी था लास्ट क्लास में, सपोज कोई भी कंटेनर ले लो, बीकर ले लो, इसमें आपने क्या कर रखा है, एच हाइट तक क्या फिल कर रखा है, फ्लूइड। इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या ले लेते हैं, रो के जी पर मीटर क्यूब ले सकते हैं क्या। अब मैंने पूछा इस पॉइंट पर प्रेशर बताओ, तो कैसे बताओगे प्रेशर, मुझे अच्छे से पता है इस पॉइंट पर जो प्रेशर क्रिएट होगा, ये जो ऊपर फ्लूइड भरा हुआ है सारा का सारा फ्लूइड, इस पर क्या क्रिएट करेगा, कितना प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया था भैया, एफ परपेंडिकुलर अपॉन, मैंने बताया था अभी, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। अच्छा ये यहाँ पर जो ये फोर्स है, ये कौन सा फोर्स काम करता है, ग्रेविटी वाला फोर्स, कौन सा फोर्स है, और ग्रेविटी वाला फोर्स क्या होता है, एम जी, और ये क्या परपेंडिकुलर फोर्स होगा, बिल्कुल, क्योंकि एम जी ऐसे काम करेगा नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर फोर्स हुआ। अच्छा मास नहीं दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, तो क्या मास को डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन मास एंड डेंसिटी, पता है क्या, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास अपॉन, तो मास क्या आ जाएगा भाई, डेंसिटी इंटू, चलो भाई तो प्रेशर का फॉर्मूला मास की जगह लिख देंगे डेंसिटी इंटू, तो डेंसिटी रो। अच्छा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट कितना गिवन है, एच, लेट कर लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बॉटम का, ये एरिया है ए, कितना दिया हुआ है ये वाला एरिया, ए दिया हुआ, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम को आप क्या लिख दोगे, ए इंटू एच इंटू जी
और नीचे ए, तो प्रेशर ड्यू टू द हाइट ऑफ कॉलम कितना आ जाएगा, रो जी। अरे याद रह जाएगा क्या, पक्का। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूड, एच इज द हाइट ऑफ कॉलम जहां तक फ्लूड को भरा गया है, और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लो, अब सब बराबर आ चुके हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। अरे वही तो गॉस प्रेशर है, मैंने उसको थोड़ा सा बस चेंज करके लिखवा दिया। यही गॉस प्रेशर है, जो हाइट की वजह से प्रेशर आता है उसी को क्या बोलते हैं। लिख लो अब यहाँ पर, इस प्रेशर का एक नाम और है, और वो क्या होता है, गॉस प्रेशर। यानी हाइट की वजह से प्रेशर जो जनरेट होता है वही गॉस प्रेशर होता है। ये अब मैं अगर बोलूं आपसे, ये इस पॉइंट पर नेट प्रेशर नहीं है, ये सिर्फ कौन सा प्रेशर है, उस किसकी वजह से लिया गया है, हाइट की वजह से। पर किसी भी पॉइंट पर नेट प्रेशर सिर्फ हाइट का प्रेशर नहीं होता, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम, क्योंकि ये जो कॉलम है या ये जो ट्यूब है, ये ओपन टू एयर है, ऊपर से खुला हुआ है ना, बंद तो नहीं है चारों तरफ से। अगर बंद होता, एयर एंटर नहीं कर सकती, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या माना जाता, जीरो। बट इफ द सिस्टम इज ओपन टू एयर, तो दैट मीन्स वॉट, उस सिस्टम के एक एक पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। तो ये जो प्रेशर निकाला, ये सिर्फ प्रेशर किसकी वजह से निकाला है, हाइट की वजह से, ये टोटल प्रेशर। अगर मैं बात करूं कि भैया नेट प्रेशर बताओ, नेट प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन बॉटम, अगर बॉटम पर किसी भी पॉइंट पर आपसे नेट प्रेशर पूछा जाए, तो वो क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। अब ये पी नॉट क्या होता है, यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर, देख लो जल्दी से भैया, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी, एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 10^5 ही लिखते हैं ना, एटीएम लिख लो, हाँ कितने अच्छे एटीएम लिख लो, एटीएम है पास्कल ही, चीजों को ध्यान दिया करो भाई थोड़ा बहुत। क्या आएगा ये, सिंपल न्यूटन मीटर स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत। तो दो बातें क्लियर हो गया, सिंपल प्रेशर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, हाइट की वजह से जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है रो जी, पर वो नेट प्रेशर नहीं होता, उसमें एक प्रेशर और इंक्लूड करते हैं नेट प्रेशर के लिए, वो कौन सा प्रेशर है, एटीएम। एटीएम मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर। पर ये कब काम करेगा एटमोस्फेरिक प्रेशर, जब वो सिस्टम ओपन टू एयर होगा, ठीक है भाई। अगर ये पूरा बंद होगा, पूरा कहीं से कहीं तक हवा जाने का चांस नहीं है, पूरा बंद है, तो सिर्फ ये वाला प्रेशर काम करेगा, रो जी। अच्छा, ये जो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये हम चीजें पढ़ रहे हैं जब फ्लूड स्टैटिक है, कैसा है, अभी हमने फ्लूड को मूव, अभी बस भाई कोई बीकर ले लिया, कोई कंटेनर ले लिया, उसमें फ्लूड को डाल दिया, अभी वो चल नहीं रहा है, ठीक है। अब जो आने वाले केसेस आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, फ्लूड को नहीं चलाएंगे, फ्लूड जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसको चलाएंगे, उसे लिफ्ट में रख देंगे, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है, या किसी ट्रोली में रख देंगे, सीधा चला देंगे उसको, तो अलग अलग केसेस अभी बनेंगे, या उसको घुमा देंगे हम क्या, हाँ अरे लिख लिया सभी ने, हो गया, लिखिए आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। अब एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, सभी लोग बताएंगे, इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होंगी, है ना। ठीक है, ये हमने कोई भी सिस्टम बना दिया, अब यहाँ पर आपका फ्लूड भरा हुआ है, पूरे में फ्लूड भरा हुआ है। इस क्वेश्चन से हम ये सीखेंगे कि फ्लूड एक्चुअली हाइट के साथ वेरी कैसे करता है, ठीक है, हाइट के साथ। ये हाइट आपको दे दिया गया है h, फ्लूड की डेंसिटी है रो kg पर मीटर क्यूब, ये हाइट आपको दी हुई है कैपिटल स्मॉल h, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं सी, यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं डी, ठीक है,
कोई ट्यूब है, उसमें हमने कोई भी पानी भर दिया, वाटर भर दिया, कोई फ्लूड भर दिया, ठीक है। हाँ नॉर्मल ट्यूब ले लेते हैं। बताइए, अब मैंने आपसे पूछा, और जिस पॉइंट पे पूछूंगा सब पे नेट प्रेशर पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, प्रेशर नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जाएगा? हाँ तो आप मुझे बताइए, नेट प्रेशर एट पॉइंट्स ए बी सी, ठीक है, एंड डी, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा भाई। मैंने आपसे नेट प्रेशर पूछा है ए बी सी एंड डी, ठीक है। सबसे पहले नेट प्रेशर बताइए ए पर। सोच समझ के बताइएगा भाई, पॉइंट ए पे नेट प्रेशर कितना काम करेगा? अच्छा पॉइंट ए के ऊपर कोई फ्लूड है क्या? अरे है तो एयर, वही पूछ रहा था, पॉइंट ए के ऊपर कोई फ्लूड है? एयर है, तो इसका मतलब जो पॉइंट ए पे प्रेशर काम करेगा वो सिर्फ एयर की वजह से करेगा, और एयर की वजह से जो प्रेशर काम करता है उसे क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक प्रेशर। यानी पॉइंट ए पर केवल और केवल एक प्रेशर काम करेगा, दैट इज, हाँ तो पॉइंट ए पर नेट प्रेशर कितना हो जाएगा? सिर्फ पी नॉट। बात समझ में आई क्या? चलो भाई, अब मैं बात करता हूँ पॉइंट बी पर, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, चुप रहना। पॉइंट बी पे नेट प्रेशर, अच्छा जब आप ऊपर से नीचे आते हैं प्रेशर घटेगा बढ़ेगा? कॉमन सेंस लगा सकते हैं क्या? ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर, भाई फ्लूड बढ़ रहा है ना, ठीक है, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर, बात समझ में आती है, ऊपर से नीचे प्रेशर घटेगा, नीचे से ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो जब आप नीचे आ जाओगे बिल्कुल बॉटम पर आ जाओगे तो प्रेशर हाइट की वजह से भी आ जाएगा, और हाइट की वजह से प्रेशर कितना होगा? रो जी एच कितना होगा? हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो क्या लिख देंगे? पी नॉट प्लस रो जी, बात समझ में आई? पक्का क्लियर हो गया? अब मैं पूछ रहा हूं पॉइंट सी पर प्रेशर बताओ। एक सेकंड, अब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? घटेगा ना। अब ऊपर से नीचे आते समय प्रेशर कितना बढ़ता है? जितनी हाइट होती है उसके इक्विवेलेंट प्रेशर आ जाता है, रो जी एच उतना बढ़ जाएगा, पर जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होंगे तो कितना घटेगा? जितनी हाइट तक आप ऊपर जा रहे हो उतनी हाइट के इक्विवेलेंट जो प्रेशर होगा वो, अभी आप इसको भूल जाओ, अभी आप पॉइंट बी को भूल जाओ, आप सोचो कि आप यहाँ से यहाँ तक कितना ऊपर जा रहे हैं? स्मॉल एच, कितना ऊपर जा रहे हैं? तो स्मॉल एच के इक्विवेलेंट प्रेशर कितना आएगा? रो जी स्मॉल एच, रो जी, तो ये प्रेशर इसमें से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बताइए आंसर कितना आएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच। तो अब जो प्रेशर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? रो जी कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा एच माइनस, हाँ अरे बात समझ में आई, क्लियर हो गया? अगेन मैंने प्रेशर कहाँ पूछा है? डी पे। अब हम बात कर रहे हैं, अब एक सेकंड रुक जाओ, चलना सिखा रहा हूँ, प्रेशर को लिखा कैसे जाता है। अब आप ऊपर से कहाँ आ रहे हैं? अब ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा? कितना बढ़ेगा? जितनी हाइट है उसके इक्विवेलेंट जो प्रेशर आएगा वो, अब कितना हाइट अगेन नीचे आ रहे हो, इसका मतलब अब जो हमारे पास प्रेशर था कितना था? पी नॉट रो जी एच माइनस रो जी एच, इसमें रो जी एच बढ़ जाएगा, अरे क्या हो जाएगा? रो जी एच तो बढ़ जाएगा, तो रो जी एच से रो जी एच, तो कितना आ गया डी पर प्रेशर? पी नॉट प्लस रो जी एच, क्योंकि जो बी पर होगा वही, समझ में आया क्यों होगा? लिख लो, बी वाला। अब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, तो ऊपर से नीचे आने पे प्रेशर कितना इंक्रीज होता है? जितनी हाइट आप नीचे आ रहे हो उस हाइट के इक्विवेलेंट जो प्रेशर है वो ऐड हो जाएगा। अब आप कितना हाइट नीचे आ रहे हो? स्मॉल एच, तो स्मॉल एच के इक्विवेलेंट जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? रोजी स्मॉल एच, तो बढ़ जाएगा ना, वो बढ़ जाएगा मतलब ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया तो इससे ये गया तो ये बचा। या ये भी मान सकते हो सेम हाइट पे प्रेशर क्या होता है? सेम, तो जो बी पर था प्रेशर वही क्या होगा? पर ऐसा कब होता है? जब सारे कॉलम में सारी ट्यूब में सिमिलर फ्लूड आपने भरा होगा। अगर अलग अलग फ्लूड होंगे तो प्रेशर इनिशियली सेम हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है भाई, लिख लो जल्दी।
स्पीड बढ़ाइए, क्या होगा? अच्छा, ये अच्छा रिकॉर्ड हो रही है क्या क्लास लेवल? क्लास रिकॉर्ड हो रही है? कहाँ जा रही है रिकॉर्ड हो गई? अभी लाइव जा रहा है। ओह माय गॉड, ऐसा है क्या? फिर तो थोड़ा सा स्टेटस बदलना पड़ेगा। फालतू बकवास कोई नहीं करेगा भैया, बस मैं कर सकता हूँ। थोड़ी तबीयत भी ढीली है आज। भाई स्पीड में नोट करें, क्लास का टाइम कम मिलता है हमें थोड़ा सा। चैप्टर बढ़ाई तो सारी कहानी कौन से फ्लूड के लिए पढ़ रहे हैं? स्टैटिक फ्लूड, ठीक है। हो गया तो सब्सक्राइबर तो देख लो कितने हैं। पहले दो लोग देख रहे हैं, अभी 133 सब्सक्राइबर जरूर थोड़ी है कि ये इसी साल के कारण, क्या पता 20 साल पुराने बच्चा हो कोई, वो क्यों देखेगा भाई। हो गया सभी का? स्पीड को बढ़ाइए जल्दी भाई फटाफट। टाइम भी बहुत कम बचा भैया। लिखो एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स, ये कौन सा फ्लूइड पढ़ रहे थे? स्टैटिक। अब लिखिए एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स, क्या लिखिए? एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। अब फ्लूइड को क्या कराएंगे? एक्सेलरेट कराएंगे ना। लिखिए एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। अब इस एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स में फर्स्ट पॉइंट बनाइए, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिख लो, व्हेन फ्लूइड इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, व्हेन फ्लूइड इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। फ्लूइड कहाँ जा रहा है भैया? ऊपर जा रहा है ना। अब ऊपर अपने आप तो जाने वाला नहीं है ना। देखो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। कोई भी कंटेनर ले लेते हैं, ट्यूब ले लो, अगेन इसमें फ्लूइड भर दिया। इसकी डेंसिटी हमारे पास कितनी दी हुई है? रो के जी पर मीटर क्यूब। हाइट क्या ले लेते हैं इसकी? एच, है ना। इससे पहले क्या था? ये कंटेनर मान लेते हैं, कंटेनर सिम रखा हुआ था स्टैटिक। अब क्या होगा? एक्सेलरेट कराएंगे। कहाँ एक्सेलरेट कराएंगे? तो सपोज हमने इसको एक्सेलरेट कराया कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये क्या हो गया इसका? एक्सेलरेशन। बात समझ में आई क्या? अगेन अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि प्रेशर बताइए, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए ऑन बॉटम। अब आपसे अगेन क्या पूछा है? एक सेकेंड, टोटल प्रेशर आपसे पूछा गया है किस पॉइंट पर पूछा गया है? पॉइंट ए पर। अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, जब एक सेकेंड जब ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा था तब प्रेशर कितना काम करता था? पी नॉट प्लस रो जी एच, इज दैट क्लियर? अब कॉमन सेंस लगा के सोचो कि अब प्रेशर और बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, सोच के देखिए। अच्छा ये आपने वो देखा, वो झूले लगते थे, मेले लगते थे काफी टाइम पहले, लगते ना वो वर्टिकल वाला, अरे वो सिंपल झूला जो होता बहुत ऊंचा सा, कौन कौन झूला है उसमें? झूले है क्या? वर्टिकल जो होता है, बिल्कुल सर्कुलर होता है ना वो। अच्छा याद करो जब आप उसमें, हाँ उसमें जब ऊपर से नीचे आते थे आप, तो ऐसा लगता था ना आपके नीचे कोई दुनिया ही नहीं है, बड़ा हल्का हल्का फील होता था, गुदगुदी सी होती थी पेट में। झूला है, कौन कौन झूले? जो नहीं झूला कोई बात नहीं, उसको फीलिंग नहीं आ रही होगी। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे तो वो क्यों बताना चाह रहे हो? क्योंकि वो यहाँ से रिलेट करता है। जब ऊपर से नीचे आएंगे उस झूले में तो एक्चुअली क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल ख़त्म है, आपका वेट ही नहीं है, ऐसा आपको फील होगा, बहुत हल्का फील होता है। और उसी का उल्टा जब आप नीचे से कहाँ जा रहे होते तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है। बात समझ में आया? ऐसा लगता है, नहीं लगता, झूले हो ना, जो भी झूला उसे फील होगा। इसका मतलब क्या होता है रियल लाइफ से भी अगर हम इसको रिलेट करके देखें, या लिफ्ट में जब आप ऊपर जा रहे होते हैं थोड़ा सा हैवी फील हो, जब ऊपर से नीचे आए थोड़ा सा लाइट फील होता है,
तो रियल लाइफ है ये तो, कि जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो नीचे वाले को चीजें हैवी नजर आएंगी, क्या नजर आएंगी, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे वाले को चीजें क्या नजर आएंगी, थोड़ी सी लाइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। जब सिर्फ और सिर्फ रखा हुआ था तब सिर्फ जी काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, पर अब यहाँ पर एक एक्सेलरेशन और आ गया, कौन सा आ गया, हाँ, तब यहाँ पर कितनी एक्सेलरेशन काम कर रही है, नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, जी, ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, तब एक्सेलरेशन काम नहीं आएगा, अब इफेक्टिव एक्सेलरेशन काम आएगा। तब मुझे बताइए कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, जी प्लस ए या ए प्लस जी, जी तो बड़ा होगा ना, इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी प्लस, ये लॉज ऑफ मोशन में भी आपको पढ़ाया जाता है ना, अब नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा जी प्लस, अब बताइए नेट प्रेशर कितना आ जाएगा, आप बताइए टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए, टोटल प्रेशर यानी पी ए, पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए इंटू, तो प्रेशर बढ़ा या घटा भाई, बढ़ गया, ठीक है, लिख लो जल्दी से। सिमिलरली इसका उल्टा कर देंगे, जब हम कहां पर आ रहे होंगे, जब हम नीचे आ रहे होंगे, अगेन डेंसिटी वही रो, हाइट स्मॉल एच, अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है डाउनवर्ड, अगेन पॉइंट ए पर मैंने आपसे प्रेशर पूछा है, तो पॉइंट ए पर प्रेशर क्या बताओगे, अब की बार पी नॉट प्लस रो, इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी माइनस इंटू एच। इफेक्टिव एक्सेलरेशन के लिए ये करते हैं, नेचुरली माइनस आता है बीच में, क्या होता है, अब क्योंकि अपोजिट है दोनों, ए ऊपर है और जी कहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, दोनों ही नीचे हैं, ए भी नीचे और जी भी, एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा भी, तो जी माइनस ए ही तो आएगा, डायरेक्शन दोनों के सेम है ना, ठीक है। इफेक्टिव एक्सेलरेशन मतलब होता है डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, पर क्योंकि यहां पर दोनों एक्सेलरेशन अपोजिट है, जब अपोजिट होंगे तो डिफरेंस क्या बन जाता है, सम बन जाता है, जब दोनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस का डिफरेंस रहेगा, ठीक है, लिख लो क्या हो गया। इफेक्टिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी एक्सेलरेशन है उनका डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, अब यहां पर हम इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अगर ए इफेक्टिव निकालना है तो जी लिखा, बीच में नेचुरली क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, अब जी को क्योंकि हम पॉजिटिव मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, तो ए ऊपर की तरफ है तो इसे क्या माना जाएगा, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आ जाता है, जी प्लस ए, पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, जी पॉजिटिव तो ए भी, और नेचुरली बीच में क्या आता है, माइनस, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जी माइनस। अरे बात समझ में आई, क्लियर हो गया, अरे जैसे रिलेटिव मोशन पढ़ते हो ना, पढ़ा ना, एक वी ए से जा रहा है दूसरा वी बी से जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन वो क्या होता है, वी ए माइनस, पढ़ाया थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा, और अपोजिट होगा तो क्या हो जाता था, वी ए, अच्छा ठीक है, लिख लो जल्दी, आप समझ में आ गया ना क्यों हो रहा है ऐसा, समझ में आ गया, पर ये चीजें कब काम करेंगी, जब वर्टिकली अप जा रहे हैं या वर्टिकली डाउन जा रहे हैं। अब इसे किसी ट्रॉली में रख दो, ट्रॉली में रख देंगे, ट्रॉली में कंटेनर डाल दिया, ट्रॉली आगे भग रही है, देखते हैं अभी, लिखो पहले जल्दी से, देख लिया सभी ने, लिखो, नहीं लिखा, जल्दी लिखो, फॉर्मूला क्वेश्चन से ज्यादा केसेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको केसेस क्लियर हो गए तो क्वेश्चंस तो आपको 100% क्लियर है।
मेरी शक्ल तो दिख नहीं रही। अच्छा अच्छा थोड़ा पीछे चल। हो गया भाई? हटा दे। लिखिए थर्ड पॉइंट को कुछ पूछ रहा था क्या? सर बोला किसी ने? अच्छा लिखिए थर्ड पॉइंट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अच्छा 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 ऐसा है, ठीक है। लिखिए, लिखो, व्हेन फ्लूइड इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली, व्हेन फ्लूइड इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली। पहले दो केसेस थे अपवर्ड और डाउनवर्ड, अब थर्ड केस लिख लीजिए। फ्लूइड इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली। अच्छा तुम्हारा दूसरा वाला छूट गया क्या? आसान ही तो है, जी माइनस से आ जाएगा। बना लो जल्दी बना लो। ठीक है, अब फ्लूड कैसे बगेगा भाई? हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ना। देखो क्या होगा, फ्लूड की एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? ए, हॉरिजॉन्टल लेंगे। पहले ऊपर ले रहे थे और अब कहाँ लेंगे? नीचे। डेंसिटी अगेन वही, रो के जी पर मीटर क्यूब, है ना भाई? हाइट वही ले लेते हैं, एच है अपने पास में, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, आप सिचुएशन को बताइए क्या होगा। सिचुएशन को फील करके देखो क्या होना चाहिए। अब एक सेकेंड, हम इनिशियली ऐसा मान के चलते हैं कि फ्लूड ऐसे हॉरिजॉन्टली है, मतलब इनिशियल कंडीशन ऐसे है ना, फ्लूड ऐसे, उसकी लेयर जो है अपर लेयर वो बिल्कुल प्योर कैसी है? हॉरिजॉन्टल। अब जैसे उसे एक्सेलरेट करोगे तो क्या अब भी लेयर हॉरिजॉन्टल रहेगी? अपर लेयर नहीं, घुमा नहीं रहे आपके बाद, लेयर घुमा नहीं रहे, सिर्फ चल रहा है फ्लूड, वो लहरें नहीं मार रहा, वो सिर्फ फ्लूड को चला रहे हैं ना भाई। तो अब ये बताइए, जब फ्लूड रेस्ट पर था तब तो अपर लेयर ऐसी थी ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेयर थी, समझ में आ रही है बात? अब जैसे ही कंटेनर को चला देंगे, क्लियर, अब क्या होगी, क्या लेयर ऐसी ही रहेगी या इंक्लाइंड हो जाएगी? स्लाइटली इंक्लाइंड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अच्छा अब कॉमन सेंस लगा के बताओ कि वो लेयर कैसे इंक्लाइंड होगी, वो लेयर ऐसे से ऐसी होगी या ऐसे से ऐसी होगी? जहां से वो आगे बढ़ेगा वो लेयर नीचे हो जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, और जो पीछे से लेयर थोड़ी सी उठ जाएगी। तो यानी अगर हम कंडीशन देखेंगे तो सिचुएशन ऐसी कुछ बनेगी। ऐसे कुछ बनेगी ना लेयर की भाई सिचुएशन, बात समझ में आई? ऐसे तो बन जाएगी लेयर कुछ, है ना भाई? चलो देखो भैया अब क्या होगा, सपोज ये कितनी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा था? ए मीटर पर सेकेंड। अरे ऐसे तो आगे जा रहा था, और कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है? बिल्कुल काम कर रहा है। नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है? कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है? जी मीटर पर सेकेंड। हाँ अब देखो ध्यान से, अगर इस एंगल को थीटा ले लिया जाए, जिस एंगल से ये इंक्लाइंड हुई है उस एंगल को क्या कंसिडर कर लेते हैं भाई? थीटा। कि भैया ये जो एंगल है जिससे ये इंक्लाइंड हुआ है, ये एंगल हमारा थीटा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है क्या? तो इस ए के दो कंपोनेंट करते हैं, एक इसके अलोंग करेंगे कंपोनेंट और एक इसके क्या करेंगे? परपेंडिकुलर। बताओ कितने कंपोनेंट आएंगे? जो अलोंग वाला कंपोनेंट होगा ये थीटा, तो कोई मुझे बताए ये वाला भी एंगल कितना होगा? अरे समझ में आ रहा है सभी को? अगर ये थीटा तो ये वाला भी एंगल थीटा ही तो आएगा। तो ए के दो कंपोनेंट कर रहा हूं, एक ऐसे करेंगे कंपोनेंट ए का, ये कितना हो जाएगा? ए साइन, समझ में आया? अच्छा ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस। कोई दिक्कत, कोई परेशान, क्लियर हो गया? अब जी के भी दो कंपोनेंट करते हैं, है ना, एक इस प्लेन के अलोंग करते हैं और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर करते हैं। अब बताइए कोई मुझे ये वाला एंगल बता दो,
कोई ये वाला एंगल बता दो। चलिए बताओ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ना, थोड़ा ज़्यादा छोटा छोटा हो गया ना, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ बढ़िया तरीके से। सुनो भाई डायग्राम को, ये क्या हो रहा है, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, है ना। इसको इंक्लाइंड थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं समझने के लिए कि ऐसे इंक्लाइंड हो गया, अब थोड़ा बढ़िया समझ में आ जाएगा ना। और ये कितने एंगल से इंक्लाइंड हुआ है भैया, और ये पूरे में फ्लूड भरा हुआ है, ये पूरा फ्लूड है। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट को पकड़ लेते हैं, इस पॉइंट को हमने पकड़ लिया, ए एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा था ना, इस एंगल को भी क्या बोला जा सकता है भैया, तो ये कॉम्पोनेंट, इसके परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट कितना आएगा, ये ए साइन थीटा, ये वाला कॉम्पोनेंट कितना आएगा बताओ, ए कॉस। अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को, कॉम्पोनेंट करना आता है क्या, थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस होता है और थीटा के अपोजिट वाला हमेशा क्या होता है, साइन। ठीक है, अब जी कहाँ काम कर रहा है बताओ, थोड़ा सा कलर चेंज कर दो, और जी कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट काम कर रहा है ना भाई। अब इस जी के भी कितने कंपोनेंट करेंगे, दो कंपोनेंट। तो सबसे पहले एंगल पता होना जरूरी है, तो कोई ये वाला एंगल बता दो कितना आएगा, ये वाला एंगल सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के। सोच के देखो, ये एंगल, ये एंगल बताओ जल्दी, ये एंगल, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना, तो भैया ये कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, जी कॉस, आएगा नहीं आएगा, जी कॉस थीटा, क्लियर अच्छे से। और जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, इस डायरेक्शन में, ये जी साइन, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आ गया समझ में अच्छे से। अब ये सब क्यों किया जा रहा है इसको समझते हैं। एक्चुअली जब ये फ्लूड हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेगा, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेगा, तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे फ्लूड में अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस, वो रेस्ट पर कंसिडर किए जाएंगे, किस पर भाई, बाकी तो फ्लूड ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो जो इस सरफेस के अलोंग कंपोनेंट आएंगे, इस वाली सरफेस के अलोंग, क्योंकि फाइनली सरफेस ऐसी तो बन गई ना, अब सरफेस कैसी बन गई, ऐसी, तो इस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे किस पर माने जाएंगे, रेस्ट पर, किस पर माने जाएंगे, और अगर रेस्ट पर है तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, और नेट फोर्स जीरो होगा तो नेट एक्सेलरेशन भी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो इसलिए मैं सारे के सारे कंपोनेंट इस सरफेस के अलोंग निकाल रहा हूं, ए का भी कंपोनेंट इसके अलोंग निकाला और जी का कंपोनेंट भी इसके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बताओ इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं एक्सेलरेशन के, चेक करो, ए कॉस थीटा, जी साइन, अरे ये दो कंपोनेंट आ रहे हैं। अच्छा, दोनों के डायरेक्शन सेम है, अलग अलग है, कैसी डायरेक्शन है। अब मैं यहाँ पर एक बढ़िया सी चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, अभी बनाना मत कोई भी, साफ इंस्ट्रक्शन से कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि कुछ चेंज होना है अभी इसमें, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। ये रियल डायग्राम है जो अभी हमें समझ में आ रहा है, पर रियलिटी में इस डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्यों, ध्यान दीजिए, ये जो पूरा कंटेनर है ये एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, और जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्रेम्स, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, नाम किस किस ने सुना है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। मोशन स्ट्रेट लाइन हो चुका है क्या, नहीं, अभी वहां तक नहीं पहुंचे, अच्छा यूनिट्स पे चल रहे हैं अभी हम लोग, नहीं तो नहीं। वो चीज यहाँ यूज होगी ना, नहीं नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, चलो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ उस पार्ट को, टेंशन मत लो, है ना, थोड़ा हमें टाइम लगेगा क्योंकि पीछे की भी चीज़ें क्लियर करके चलनी पड़ेंगी, अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो, है ना, तो एक चीज़ समझ लो। अच्छा, ये चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि अभी उसका यूज़ होने जा रहा है, इनर्शियल फ्रेम, और एक फ्रेम कौन सा होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम।
पहली बात तो ये फ्रेम क्या होता है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष। हर्ष तुम रेस्ट पर हो या चल रहे हो? अब हर्ष से पूछा हर्ष के बारे में, तो जीवन में हमेशा ये बोलेगा कि मैं रेस्ट पर हूँ, क्योंकि अगर इसी से इसी के बारे में पूछूंगा तो यही ऑब्जेक्ट और यही ऑब्जर्वर, और खुद ही ऑब्जेक्ट है खुद ही ऑब्जर्वर, इसका मतलब हम तो कभी चल ही नहीं सकते, हम हमेशा किस पे रहेंगे? क्योंकि हम ही ऑब्जर्वर है और हम ही क्या है। हाँ, अब अगर मैं पूछूं, मान लेता हूँ कि मैं इससे पूछ लेता हूँ, तुम्हारा नाम क्या? अनमोल। अब अनमोल से पूछूं कि हर्ष रेस्ट पर है या मूव कर रहा है, हर्ष क्या बोले, वो अनमोल क्या बोलेगा? बात समझ में आती है? अनमोल क्या बोलेगा, अभी किस पर है ये? पर अगर इस अनमोल को अब मैं चंदा मामा पे फेंक दूं, कहाँ फेंक दूं उसको? अब तो चांद पे बैठ के देखो, अब बताओ ये वाला चांद घूम रहा है या रुका हुआ है? सोच के बताइएगा। हैं, चांद पे बैठे हो तुम, अब ये फीलिंग करो तुम चांद पर हो, मजाक समझ रहा है? घूम रहा है भाई, क्या कर रहा हो भाई? एक चीज अच्छी सी बात यहां पर क्या समझ में आती है कि ऑब्जेक्ट का चलना या ना चलना ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता। यानी हम इस दुनिया में रेस्ट पर हैं, हम चल रहे हैं, ये हमारे ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड, ये डिपेंड किस पे करता है? ऑब्जर्वर पे। तो इसलिए बोला जाता है मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में, रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करता है, मोशन कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो वर्ड यूज करते हैं ना रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव वर्ड ही बोलता है फ्रेम को, किसको बताता है? ये जो हम फ्रेम की बात कर रहे हैं, दिस फ्रेम इज द प्लेस वेयर ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड। जो बोला समझ में आया? जो हम फ्रेम वर्ड यूज करें, फ्रेम वर्ड वो जगह है, वो प्लेस है जहां पर कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, हाँ, उसको फ्रेम बोला जाता है, या उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोला जाता है। बात समझ में आई? अब ऑब्जर्वर के लिए कितने फ्रेम बनाए गए? इनर्शियल और फिलहाल। अगर मैं बोलूं कि अब ये ऑब्जर्वर है अनमोल और ये क्या है, हर्ष ऑब्जेक्ट है। अब मैं बात करूं कि ये भी ग्राउंड पर है और ये भी किस पर है, ये ग्राउंड ही माने बोलो ना, छत पे बैठे हुए ग्राउंड ही हमारे लिए, कि ये भी ग्राउंड पर और ये भी, अब ग्राउंड चल रहा है या रेस्ट पर है? किस पर है? वैसे हम रेस्ट पर ही मानेंगे क्योंकि हम धरती की बात कर रहे हैं। किस पर है ग्राउंड ये? हाँ, तो इसका मतलब ग्राउंड जो होगा वो ग्राउंड कौन सा फ्रेम होगा, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं होती, इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन, यानी इनर्शियल फ्रेम इज द नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम और नॉन इनर्शियल इज द एक्सेलरेटेड फ्रेम, दोनों का सेम ही फ्रेम है ना, ग्राउंड ग्राउंड वो अलग बात है, तो ट्रेन वो अलग चीज हो जाएगी। जैसे आप पेड़ को देखते हो ना ट्रेन में बैठ के, तो पेड़ चलते हुए नजर आते हैं ना, तो अब एक्चुअली तुम कौन से फ्रेम में हो? ट्रेन में। अब तुम ऑब्जर्वर हो, तुम क्या हो और पेड़ क्या है, तो तुम्हारा जो ट्रेन वाला फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है। कैसा फ्रेम है? एक्सेलरेटेड मतलब वो कौन सा फ्रेम हो गया? फ्रेम सेम है ना, जब फ्रेम सेम होता है ना तो जो मोशन होता है ना रियलिटी में वही दिखाई देता है। अरे जो बोला समझ में आया? अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का फ्रेम सेम है तो इसका मतलब जो रियलिटी में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वही ऑब्जर्वर को नजर भी आ रहा है, बट अगर फ्रेम चेंज कर देंगे तो मोशन वही नजर आएगा जो वो कर रहा है, ये जरूरी। जैसे ट्री और ट्रेन में देख लो, आप कहां बैठे हो? ट्रेन में। ट्रीज कहां पर है? तो रियलिटी में ट्रीज चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे। पर आपको कैसे दिखाई दे रहे? क्योंकि आपका और ऑब्जेक्ट का फ्रेम दोनों सेम है, अलग अलग है, पर तुम वही ट्रेन से कूद जाओ, सपोज ट्रेन से, अब देखो कूदने के बाद पेड़ को देखो, अरे वो मैं कूदने का मतलब उतर जाओ भाई, अब देखो तो अब तो रेस्ट पे नजर आएगा ना, क्योंकि अब तुम और जो पेड़ वो दोनों सेम फ्रेम में है। किस फ्रेम में? तो सेम फ्रेम में जब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर होंगे तो मोशन वही नजर आएगा जो रियलिटी में ऑब्जेक्ट कर रहा है। अगर फ्रेम अलग अलग हो गया तो वो जो रियल मोशन है वो आपको दिखाई दे, ये जरूरी। इसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर आता है जब फ्रेम अलग अलग हो जाते हैं। फ्रेम का चक्कर समझ में आया? तो मेरे को समझाना ये था इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, जल्दी बोलो इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं, तो लिख लो इसमें एक लाइन नीचे एरो देकर, साइड में कहीं लिख लेना, क्योंकि हमारी काम की चीजें यहाँ आते हैं फटाफट चैप्टर पे, ज्यादा डिटेल में तो सर पढ़ा देंगे जो पढ़ाएंगे आपको, फिलहाल हमें समझना है जो हमारे काम की चीज है ना। तो इनर्शियल फ्रेम के नीचे एक चीज लिख लो, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, बस तीन वर्ड लिख लो, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स।
नॉन एक्सेलरेटेड और ग्राउंड इज अ इनर्शियल फ्रेम. ग्राउंड कैसा फ्रेम माना जाता है? इनर्शियल फ्रेम. नहीं, डिपेंड करेगा ना कि वो फ्रेम चल रहा है या रुका हुआ है. दोनों ट्रेन में है, दोनों ट्रेन में है तो दोनों ट्रेन तो सेम फ्रेम में है ना. इसका मतलब तो ट्रेन तो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया ना. फ्रेम तो एक्सेलरेटेड है ना. वो अलग बात है कि वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होंगे, वो अलग बात है. पर फ्रेम तो एक्सेलरेटेड है. हम सिर्फ फ्रेम की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? तो ग्राउंड कौन सा फ्रेम है? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल फ्रेम है. कौन सा फ्रेम है? अभी चंदा मामा पे चला जाएगा तो क्लियर हो गया अच्छे से. क्या हो गया? कंफ्यूजन है. इतना मत सोचिए. मैं सिर्फ देखो, एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो ना? एक सेकंड सुन लीजिए. एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो ना? जब स्पीड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, तो बस आप ये देखो कि भाई जहां पर ऑब्जेक्ट बैठकर तुम्हें सब कुछ बता रहा है, तो जहां बैठा है क्या वो फ्रेम रेस्ट पर है या वो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है? बस दो बातें देखनी, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, इससे हमें कोई लेना देना. हमें दो बातें चेक करनी है कि जहां पर वो बैठकर आपको बता रहा है वो चीज एक्सेलरेटेड है या वो नॉन एक्सेलरेटेड है. बस इतना देखना है हमें. अब ट्रेन में जब आप चल रहे हो तो ट्रेन की स्पीड तो चेंज होती है ना टाइम के साथ, तो एक्सेलरेटेड तो हुआ वो, तो एक्सेल तो ट्रेन कौन सा फ्रेम हो गया? कौन सा फ्रेम हो गया? पर ग्राउंड अभी चल रहा है क्या? हमें चलता हुआ दिख रहा है ग्राउंड, तो ग्राउंड के पास कोई एक्सेलरेशन, तो ग्राउंड कौन सा फ्रेम हो गया? बस इतना समझना है. अरे बात समझ में आ गई? तो फॉर एग्जाम्पल लिख लेना ग्राउंड. ग्राउंड को हम क्या मानते हैं? इनर्शियल फ्रेम मानते हैं ना. नॉन इनर्शियल में लिख लो. नॉन इनर्शियल लिख लीजिए भैया. एक्सेलरेटेड फ्रेम. एक्सेलरेटेड फ्रेम. एक्सेलरेटेड फ्रेम लिख लो. फॉर अर्थ मून इज अ एक्सेलरेटेड, वो मून इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम. फॉर अर्थ मून इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. अर्थ के लिए मून क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गई सभी को? खत्म करें इस टॉपिक को. अब यहां पे समझते हैं चीजें क्या हो रही है ना. अब यहां पर इसका रियलिटी में यूज क्या है समझिए ध्यान से. एक्चुअली जो इनर्शियल फ्रेम होते हैं, इनर्शियल मतलब जिसके पास एक्सेलरेशन, ठीक है, उन फ्रेम्स में न्यूटन्स के जितने भी लॉ हैं, कितने लॉ होते हैं न्यूटन्स के? सुने तो होंगे, तीन लॉ है ना. पहला इनर्शिया वाला लॉ होता है ना. दूसरा क्या होता है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है डीपी बाई डीटी एफ के बराबर होता है. याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तीसरा लॉ क्या होता है भैया? एक्शन रिएक्शन वाला. याद आ गया? तो जो ये इनर्शियल फ्रेम है, इस इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन्स के लॉ बहुत अच्छे से काम करते हैं. न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल इन, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द न्यूटन्स लॉ इन इनर्शियल. बट इफ यू आर इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, हम किस फ्रेम के अंदर है? हाँ, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो वहां पर न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली काम. अब आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था, क्या बताया था? कि जो भी पार्टिकल सरफेस पर होंगे किस पर होंगे? क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं इनिशियली ये जो अपर लेयर थी ऐसी थी. कैसी थी? ऐसी. जैसे इसको चलाया तो अपर लेयर कैसे हो गई? अब हम ये मान के चल रहे हैं कि लेयर ऐसे रुक गई. अब ये और ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी ऐसे हो चुकी है. अब ऐसे लहर नहीं मार रही है, क्योंकि लहरें मारोगे तो मैथमेटिक्स काम नहीं करेगी. रियलिटी में तो लहर मार रही होगी, पर हम इसको ऐसा मान के चलेंगे मैथ्स को लगाने के लिए, ठीक है. तो अभी रुक गई ऐसे, इसका मतलब ये रुकी तो इस पर जितने पार्टिकल है सब रेस्ट पर है. किस पर है? पर रेस्ट पर है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ध्यान से देखो, इस सरफेस के अलोंग कितनी एक्सेलरेशन काम कर रही है? कौन कौन सी? जी साइन थीटा और पास. समझ में आई? अभी दोनों एक डायरेक्शन में अलग अलग, तो अभी एक डायरेक्शन में, तो इन दोनों एक्सेलरेशन को देखकर तो ये फीलिंग आ रही है कि जितने भी पार्टिकल होंगे ये दोनों एक्सेलरेशन उसको ऐसे खींच के ले जाएंगी. भाई एक्सेलरेशन ऐसे लग रही है ना. अब दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में, तो पार्टिकल भी तो इधर ही भागेगा. पर मैंने क्या बोला? पार्टिकल किस पर है? पर सकल से तो नहीं लग रहा रेस्ट पर है, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन कहां ले जाना चाह रही है? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है. कौन सा फ्रेम है ये? क्योंकि ये सरफेस एक्सेलरेट हो रही है. क्या हो रही है? पर ये एक्सेलरेट हो रही है, तो ये सरफेस को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल. और नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगाया जाता है.
बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं समझाना पड़ेगा, पर दिक्कतें थोड़ी आ सकती है क्योंकि आपने पीछे का पढ़ा नहीं है, पर मुझे तो लेना पड़ेगा काम में क्योंकि मैं फ्लूड पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, खाली इस चैप्टर में थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स ज़्यादा यूज़ आ रही है, ठीक है भाई। जब तक SHM पर आएंगे, जब तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो चुका होगा आपका, तो जब दिक्कतें नहीं आएंगी बिल्कुल भी। SHM में भी काइनेमेटिक्स लगेगी अच्छी खासी, पर यहाँ पर भी लगेगी। अच्छा, समझ में आया क्या बोला? ये चीज़ क्लियर हुआ है? जो सरफेस अपर जो लेयर है, ये इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम सूडो फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सूडो फोर्स एक वो फोर्स होता है जो वास्तविक में एग्जिस्ट, पर उसको सिर्फ अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम उसको अप्लाई करते हैं। और उसको अप्लाई कैसे करते हैं? जो रियल फोर्स होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। अच्छा, रियल एक्सेलरेशन कहाँ काम कर रहा है? आगे की तरफ। कहाँ पर काम कर रहा है? तो हम जब इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कराएंगे तो इस एक्सेलरेशन को कहाँ मान लेंगे? कहाँ मान लेंगे? बात समझ में आई? क्लियर है क्या? तो जब क्वेश्चंस को आप करेंगे तो एक्सेलरेशन आगे लेंगे पीछे लेंगे? ये रियल डायग्राम बनाया था, पर क्वेश्चन करते समय ये डायग्राम काम? क्वेश्चन करते समय एक्सेलरेशन आगे लेना पड़ेगा पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में रियल फोर्स को सूडो फोर्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्योंकि जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ना, वहां पर भी सिखाया जाएगा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है वहां पर, पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम नहीं करेगा, क्वेश्चन करते समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। अरे क्लियर हो गया? तो इसलिए कहा था डायग्राम बनाना मत। तो रियल डायग्राम कैसे बनाओगे बताओ? हाँ, ये जो हम एक्सेलरेशन ले रहे थे सारी की सारी, क्वेश्चन करते समय ये कहाँ चली जाएगी? अब इसको समझने के लिए देखो कितना समझना पड़ा आपको, बिल्कुल मिटा दिया। आप देखो, अब एक्सेलरेशन कहाँ लगा देंगे? ये आएगा, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही तो होगा, और ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? ए कॉस। हाँ, बात समझ में आ गया? ए कॉस थीटा आएगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा इसके अलावा? ए साइन। अब ध्यान से देखो, कोई भी पार्टिकल ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल हम बना लेते हैं पी है। कौन सा पार्टिकल है? अब इस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल होंगे रेस्ट पर होंगे, चल रहे होंगे रेस्ट पर। अब देखो नीचे कितना एक्सेलरेशन खींच रहा है इसको, ऊपर कितना खींच रहा है। अब ये रेस्ट पर कब होगा? जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, दोनों फोर्स, और फोर्स बराबर होंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होनी चाहिए? तो हमें ये अच्छे से पता है कि एज पार्टिकल पी, पार्टिकल पी इज एट रेस्ट, किस पर है ये? हाँ, है ना, ये रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर होगा तो इसका मतलब ए कॉस थीटा या जी साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? ए कॉस, तो कॉस थीटा को इसके नीचे लिया हो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए अपॉन, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया? क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे इस फॉर्मूले। जब फ्लूड को हॉरिजॉन्टली भगाएंगे तो आपसे पूछ लेता है कि भैया उसे इतनी एक्सेलरेशन से भगाया गया तो बताओ कितना एंगल से इंक्लाइंड हो जाएगा, कितने एंगल से? तो अगर वो एंगल निकालना पड़ेगा डायरेक्ट फॉर्मूला ए अपॉन, क्योंकि ये तो आपको देगा कि उसे 10 मीटर पर सेकंड से भगा दिया गया, तो बताओ वो एंगल कितना आएगा। और अच्छी सी बात सुन लेना, अब मैं कॉमन से एग्जांपल आपके सामने बना देता हूँ कि कोई भी फ्लूड है, ये हॉरिजॉन्टली भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से? अब मुझे पता है ये सरफेस अभी तो ऐसी है, पर अब बाद में कैसी हो जाएगी, तो बताओ कितने एंगल से इंक्लाइंड हुई? बताओ एंगल, थीटा बताना, कितने एंगल से इंक्लाइंड होगी ये? टेन थीटा हो जाएगा, ए बाय जी कितना हो जाएगा? ए बाय, ए कितना दिया हुआ है, जी भी कितना मानते हैं, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन अपॉन टेन, यानी वन ही तो हो गया भाई, और टेन में वन वैल्यू किसकी होती है? हाँ, तो ये जिस एंगल से अगर इंक्लाइंड होगी, ये जो एंगल बनाएगी ये थीटा आपको निकालना था। बात समझ में आ गई सभी को? लिख लो जल्दी क्वेश्चन मार्क। हाँ बनाइए। क्या हमें तो बेसिकली एंगल वेंगल पूछता है इसमें, तो एंगल में प्रेशर क्या करेगा? टॉपिक में प्रेशर की बात नहीं हो रही, टॉपिक में एंगल निकालने की बात हो रही है।
तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देंगे पता है? इस एक्सेलरेशन को क्या नाम दे देंगे? स्यूडो एक्सेलरेशन। ठीक है, जब भी फ्लूड को हॉरिजॉन्टली भगाया जाएगा, ठीक है, तो थीटा पूछे, एक्सेलरेशन पूछे, कुछ भी निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, देख लो, हॉरिजॉन्टली में ये फॉर्मूला है कि प्रेशर हर जगह सेम लगेगा, सेम हाइट पे सेम प्रेशर लगता है। अगर हाइट सेम ले रहे तो प्रेशर भी तो सेम आएगा। हो गया भाई, आगे बढ़े। ऐसे कह रहे थे क्या करने को? तो आता था मेरे को। लिखिए आगे, तो यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। चलिए एक लॉ लिख लीजिए, पास्कल्स लॉ। एक दो लाइन का है, हो जाएगा दो चार मिनट में। पास्कल्स लॉ लिखिए, पास्कल्स लॉ आसान सा है ना? क्या कहता है पास्कल लॉ? किसी भी फ्लूड पे, फ्लूड की किसी भी सरफेस पे एक पॉइंट पर आप प्रेशर लगाएंगे तो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? तो लिख लो, द प्रेशर अप्लाइड, द प्रेशर अप्लाइड, द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ओवर द सरफेस ऑफ फ्लूइड, एट एनी पॉइंट ओवर द सरफेस ऑफ फ्लूइड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल, एक सेकंड, किस केस में होता है ऐसा? लिख लो, इन केस ऑफ फ्लूड कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स, है ना? लिख लो, हाँ लिख लो, इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स। वैसे ऐसा फ्लूड रियलिटी में एग्जिस्ट करता नहीं, इनकम्प्रेसिबल या नॉन विस्कस फ्लूड रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, पर हम मान के चलते हैं आइडियली। लिख लिया क्या? पक्का समझ में आ गया? तो हर जगह प्रेशर कैसा काम करेगा? सेम। लिख लो, इसकी एक एप्लीकेशन भी होती है ना, क्या होती है उसे? हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो लिख लो, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक मिनट ले सकते हैं, टाइम हो गया क्या? एक मिनट ले ले, देखो पूरा अट जाएगा ना, इसको ऐप कर देते हैं। देखिए भाई, हाइड्रोलिक लिफ्ट काम कैसे करती है? एक तरफ एरिया बहुत ज्यादा रखा जाएगा ना, एक तरफ एरिया बहुत ज्यादा होगा और एक तरफ एरिया क्या होगा? कम होगा ना। ये काम किस में आता है पता? बड़े बड़े हैवी चीजों को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, है ना? इस पूरे में फ्लूड भर देंगे,
इसका कमाल देखना कितना अच्छा होता है। इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको करने के लिए ना और छोटा बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर सपोज कोई कार रख दी, अब इस कार को लिफ्ट करना है, पाए रोकने कार रख रखी है, ठीक है, यहां पर कोई पिस्टन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं यहां पर कोई पिस्टन, ये पिस्टन, ठीक है। अब सपोज जो पिस्टन फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है F1, कितना फोर्स लगा रहा है, और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या ले लेते हैं A1, क्या ले लेते हैं A1। जब ये पिस्टन नीचे की तरफ दबाएंगे आप तो क्या होगा, इस पूरे फ्लूड पे प्रेशर लगेगा, और पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर फ्लूड इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब क्या होगा, सारे पॉइंट पे प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी जितना प्रेशर आपने यहां से लगाया तो क्या सारा प्रेशर हर पॉइंट पे सेम जाएगा, अलग अलग जाएगा, तो यहां पर भी वही प्रेशर काम करेगा, नहीं करेगा, करेगा, उस प्रेशर की वजह से इस कार के ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हमने क्या मान लिया, क्या मान लिया भाई, और यहां पर जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम ले लेते हैं A2 है, क्या मान लेते, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अगर यहां पर प्रेशर P1 लग रहा है और यहां पर प्रेशर P2 लग रहा है, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर P1 P2 क्या होना चाहिए, अभी तो बताया ना कैसा होना चाहिए, हाँ इक्वल होना चाहिए, है ना भाई, और P1 क्या लिखूंगा, F1 अपॉन A1, और P2 को क्या लिख दूंगा, F2 अपॉन, ये F1 तो हमने लगाया है और F2 हमें मिला है गिफ्ट में, तो F2 निकाल लेते हैं, गिफ्ट में कितना मिल गया, कितना हो जाएगा भैया, F1 और A2 अपॉन, अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ जो A2 होता है ना वो बहुत बहुत बड़ा होता है किससे, तो हमें, हमने गिफ्ट में मिला जो छोटा मिला, बहुत बड़ा मिला भाई, अप्लाई तो बहुत छोटा फोर्स किया ना, अप्लाई फोर्स बहुत, पर गिफ्ट में फोर्स कैसा मिला, तो यही कारण है कि एफर्ट्स तो बहुत कम लगाते हैं पर रिजल्ट बहुत, पास्कल लॉ का कमाल है, तो इसलिए बहुत कम प्रेशर लगाएंगे और कार उड़ जाएगी आसानी से, देखो ना F1 तो हमने कम लगाया था ना, पर F2 क्या मिला, बहुत, क्योंकि एरिया जो है ना ये बड़ा एरिया लेते हैं, और ये एरिया कैसे लेते हैं, तो जब ये A2 बहुत बड़ा है, A1 बहुत छोटा है, तो रेशियो तो बहुत बड़ा हो गया ना, जब ये बहुत बड़ा हो तो F2 भी बहुत, तो आपने लगाया तो कम फोर्स पर रिजल्ट क्या मिला, तो इसलिए कार उड़ जाता है ना, हैवी ऑब्जेक्ट उड़ जाते हैं आसानी से, देख लिया क्या, नोट कर लो जल्दी से, ओके भाई, थैंक यू।